नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत नर्वस हूँ। बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज हमें आपको वो चीज दिखानी है जिस पर हम पिछले एक साल से काम कर रहे हैं। वेलकम टू आर स्टूडियो। हमारा स्टूडियो दिखाने से पहले लेट मी शो यू कि हमारे पहले वाले सेटअप्स कैसे दिखते थे, बिकॉज यू कैनॉट अप्रिशिएट वेर यू आर विदाउट नोइंग वेर यू केम फ्रॉम। स्टार्ट करते हैं सेटअप जीरो से। मेरे YouTube जर्नी की शुरुआत इस कैमरा से हुई थी। ये उस समय कुछ 50,000 का आता था लेंस के साथ, और मैं इतना ही खर्च करना अफोर्ड कर सकता था। हम ये कैमरा को गोरिल्ला पॉड पर लगाकर शूट किया करते थे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो माइक मेरे पास है, हम वही माइक शुरुआती समय से यूज कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं सेटअप नंबर वन की ओर। पैंडेमिक शुरू हो गया था और तब तक एक बेहतर कैमरा ले लिया था। हम मेरे पेरेंट्स के घर पर रहते थे और एक रूम के एक छोटे से कॉर्नर में एक रिंग लाइट लगाकर शूट किया करते थे। सेटअप टू आप में से मेजरली सारे लोगों ने देखा ही होगा, जो इस बैटमैन फ्रेम के लिए फेमस है। और फिर हम यहाँ पर पहुँचते हैं। ये एक प्रॉपर स्टूडियो है जहाँ अलग अलग रूम्स है और हर रूम का एक रीजन भी। इस एरिया को हम वेटिंग एरिया कहते हैं। यहाँ पर मेन डोर है और मेन डोर से अंदर आते ही आपको ये फर्क पड़ता है कि साइन दिखती है। इसके कलर्स में मेरे मोबाइल से चेंज कर सकता हूँ। इन चेंजिंग कलर्स का मुझे रील्स शूट करते वक्त बहुत सारा फायदा होता है, कुछ ऐसे। तो ये है हमारा रील का सेटअप। अगर आपने हमारे रील्स या फिर शॉर्ट्स देखे होंगे तो फिर सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। अभी मजे की बात ये है कि ये जो पीछे की जो नियॉन साइन है, वो मैं मोबाइल से उसका कलर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। अभी ये ब्लू है और मैं एक क्लिक के साथ उसे पिंक कर सकता हूँ। तो अगर हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर पीछे का कलर पिंक होगा। अगर हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पीछे का कलर चेंज करके ग्रीन कर देंगे। तो फिर मूड के हिसाब से रूम का भी कलर चेंज हो जाता है। तो फिर दैट जस्ट एड्स सम एलिमेंट। तो उस एलईडी साइन की तरह ये भी एक लाइट है जो आरजीबी लाइट है, और इसको भी हम चेंज करके जो चाहिए वो कलर दे सकते हैं। स्टूडियो के अंदर आते ही यहाँ हमारे गार्डियंस रहते हैं जो हमें हमारी जर्नी में गाइड करते हैं। फरवरी 4, 2023 को हम यहाँ इस स्टूडियो में पहली बार आए। रेनोवेशंस 3 महीने के लिए चले और हमने एक एक डिटेल काफी केयरफुली प्लान किया है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ आवर इंटीरियर डिजाइनर कहन। इफ यू लुक अराउंड, एवरी वॉल इज बीन मेड लाइक अ बैकड्रॉप दैट कैन बी यूज्ड इन द वीडियोस। वॉल्स आर मेड आउट ऑफ चिपबोर्ड मटेरियल। चिपबोर्ड बेसिकली इज वुडन चिप्स गॉट टुगेदर टू मेक अ बोर्ड, सो इट्स लाइक अ वेस्ट मटेरियल बीन रीयूज्ड in construction and designing. Again, did not have an idea of how we wanted to make the main door or do something with that. Hence, when we saw so much wastage of wooden chipboard, we tried to use and we used them to create such a nice door out of it. तो ये हो गया हमारा वेटिंग एरिया। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कमरे की ओर। यहाँ से ऐसे हम सीधा आते हैं, ये पैसेज होता है, और फिर पैसेज से हम लेफ्ट लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। जब भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आते हैं या फिर कोई क्रिएटर आता है, जब भी हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, तो पहले हम यहाँ पर बैठकर सारी डिस्कशन करते हैं। रूम की इस तरफ एक हमने बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क बनाया है। विकेड ब्रोज नाम की एक कंपनी है जिन्होंने ये आर्ट वर्क बनाने में हमारी हेल्प की। दिस इज अ टेबल। हमने आर्ट वर्क ऐसा किया है कि दिस लुक्स लाइक द नाइट, एंड इसे खोलने पर इट लुक्स लाइक द डे। अगर हमें काम करना है तो हम यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के काम भी कर सकते हैं ऑन दिस टेबल। एंड इस मैकेनिज्म की वजह से वी एंडेड अप सेविंग स्पेस। तो हमें स्टूडियो में आर्ट वर्क लाना था एंड वी वांटेड टू गेट इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट, तो वी हैव गॉट दिस। ये एक पट्टचित्र पेंटिंग है और इसे हमने डायरेक्टली आर्टिसन से खरीदा है। वी हैव टू मोर पेंटिंग्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम, और ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं जो हमने एक एग्जीबिशन से डायरेक्ट आर्टिसन से खरीदे हैं। लॉजिक ये था कि हम भारत के कोनों से अलग अलग चीज़ें लेके आए स्टूडियो में, ताकि इट मेक्स अस फील लाइक इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर कंट्री। ये भारत का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज हमारे काम का एसेंस वही है दैट वी लव इंडिया, और वही हम दिखाना चाहते थे। यहाँ पर मेरे पीछे आपको एक पेंटिंग दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो एक पेंटिंग नहीं, हमारा टीवी है जहाँ पर हम मोस्टली हमारे ही वीडियोज देखते हैं। एक बार हमारा स्क्रिप्ट लिखकर पूरा हो गया, एक एडिट का लाइनअप हो गया, तो हम और हमारी सारी टीम, सारे एडिटर्स यहाँ पर मिलकर हमारा पूरा वीडियो देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। एक वीडियो में इफेक्ट्स क्या होने चाहिए, ये तो काफी आम बात है जो बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन एक वीडियो का मैसेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और ये बात जब तक हमारे एडिटर्स तक नहीं पहुंचती, तब तक वो ये ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पर सारे डिस्कशंस होते हैं, नोट्स लिए जाते हैं, और फिर नोट्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद हमारे एडिटर्स काम पे लगते हैं। चलिए मैं आपको हमारे एडिटर से मिलवाता हूँ। या हाय, मायसेल्फ सुबल कुंदारपु। हेलो, आई एम सुमित बारूदे। हाय, मेरा नाम प्रथम कोड़े। हाय, माय नेम इज प्रसन्ना।
मेरा जॉइनिंग डेट है ऑफिशियली 11 जून बट 12 जून भी बोल सकता है बिकॉज 11 जून वाज संडे 1 मार्च 2023 आई थिंक मुझे डेट तो एक्चुअली याद नहीं है एग्जैक्ट डेट बट समटाइम इन ऑगस्ट लास्ट ईयर 13th ऑफ जून पक्का बेस्ट तो मैं ही हूँ यहाँ पे काम अच्छा है सबसे अच्छे तो कोवर्कर्स लगते हैं लोड लगता नहीं है कि काम इतना है करके ऐसे मुझे किसी भी चीज़ का ऐसा लगता नहीं है कि कुछ कंप्लेंट है या कुछ समथिंग लैकिंग है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा चिल लगता है बहुत एवरी टाइम यू गेट नॉलेज फ्रॉम एवरीवन वेरी इजी टू गो यू कैन अप्रोच एनीवन यू कैन टॉक टू एनीवन अबाउट एनीथिंग मुंबई में आज तक आने के बाद कोई मराठी फ्रेंड्स नहीं बना यहाँ पे सब माहौल मराठी में होता है सबसे बेस्ट पर एक ऐसे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनाया यानी हमने जब ये पूरा स्टूडियो डिजाइन किया तो हमने सोचा कि हम सब एज अ टीम काम करने चाहिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठता हूँ और मेरे साइड में यहाँ पर न्यू बैठती है और बाकी जो सारे एडिटर्स हैं वो भी यहीं पर बैठते हैं सो आइडिया ये था कि हम हमेशा सब लोगों के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए हम लोगों के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए हम चाहते थे कि हमारा जो रिलेशनशिप हो वो एज एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप ना होते हुए एक टीम का रिलेशनशिप हो जहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख पाए सो आर्टवर्क के पीछे हमारा रीजन ये था कि हम नहीं चाहते थे कि स्टाफ एक ब्लैंक वॉल को देखते रहे एक वाइट वॉल को फुल टाइम अगर आप देखते रहते हो तो वो इंस्पिरेशनल भी नहीं होता थ्रू दिस आर्टवर्क हमने काफी सारे प्लांट्स डाले हैं बोल्ड कलर्स डाले हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस आए और थोड़ी एनर्जी आए हम ऐसे कलर्स पर्पसली यूज ब्राइट कलर्स जैसे येलोज रेड्स ऑरेंजेस पूरे वॉल में नहीं बट देन इन सम पोर्शंस जो देखकर काफी एनर्जेटिक लगता है जैसे मेरा फेवरेट पोर्शन ये वाला पोर्शन है क्योंकि वो बड़ा रेड प्लांट और वो सन तो वो देख के मुझे काफी ज्यादा एनर्जी आती है इट फील्स वेरी नाइस टू सिट एंड वर्क तो मेरा स्पॉट वही है मैं उसी के नीचे बैठ के काम करती हूँ अब मैं आपको थोड़ा कचरा दिखाने वाली हूँ सो हमारे पैंट्री एरिया में जब भी कोई खाना ऑर्डर करता है तो हम उस यूटेंसिल को वॉश करते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं एंड देन उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है सो दैट हमारा जितना इम्पैक्ट हो वो कम होता है द सेकेंड थिंग दैट वी डू इज हम हमारे आर ओ का सारा पानी कलेक्ट करते हैं एंड उसे फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं ताकि वो सारा पानी वेस्ट ना हो और वो काफी सारा पानी अक्यूमुलेट हो जाता है हर दिन सो देन दैट्स आवर वे ऑफ सेविंग वाटर वेट हम हमारे सबसे एक्सपेंसिव टीम मेंबर को मिलाना ही भूल गए एक दिन स्टूडियो के बाहर हमें मस्ती और मूछ ही दिखे दोनों की मदर ने उन्हें अबैंडन कर दिया था और दोनों काफी वीक थे हम सब मिलकर उनकी देखभाल करते हैं उन्हें खाना देते हैं वैक्सीनेशन करवाते हैं और अब वो स्टूडियो का हिस्सा बन गए हैं बढ़ते हैं अगले रूम की ओर तो ये है हमारा मेकअप रूम सो ये मेकअप रूम भी है जहाँ पर हम रेडी होते हैं और दूसरी तरफ मेरा सारा इक्विपमेंट है सारे लाइट्स हैं जो हम शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं अभी आपने मेकअप रूम देख लिया अभी बढ़ते हैं स्टूडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर ये है हमारा शूटिंग एरिया जहाँ पर आप जो सारे वीडियोस देखते हैं वो यहाँ पर इसी पूरे एरिया में शूट होते हैं ये पूरा स्टूडियो स्पेस हमने इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप अंदर आओ और फिर कैमरा का एक बटन दबाओ एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग कलरफुल बैकड्रॉप्स बनाए हुए हैं अभी के लिए आप एक ही बैकड्रॉप देखते हैं लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के लिए 3-4 बैकड्रॉप्स हमने रेडी किए हुए हैं एक पीछे जो बैकड्रॉप है वो स्पेशली हमने पॉडकास्ट के लिए रिजर्व रखा है पॉडकास्ट चैनल भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है सो स्टे ट्यून्ड तो ये यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन है जो ऐसे स्टैंडी की तरह ऐसे ऊपर आता है तो आपने आजकल देखा होगा कि कभी कभी हमारे बैकड्रॉप्स चेंज होते हैं तो वो ऐसे चेंज होता है तो हम ये इंडस्ट्रियल एरिया में है लेकिन फिर भी यहाँ पर शांति है सीक्रेट है नीचे और ऊपर नीचे हमने एक कारपेट बिछाया हुआ है जो साउंड को अब्सॉर्ब करता है और ऊपर भी हमने साउंड को अब्सॉर्ब करने वाले ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स लगाए हुए हैं सो यूजुअली आप सेटअप को इस एंगल से देखते हैं लेकिन आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं आपको एक दूसरे एंगल से सेटअप दिखाता हूँ ये जो पीछे वाला लाइट है ये यहाँ पर मेरा मेन की लाइट होता है विच इज अपर्चर 300D ये
काफी पावरफुल लाइट है जिसके सामने मैंने एक बड़ा वाला सॉफ्ट बॉक्स जिसे एक डोम कहते हैं वो लगाया हुआ है ताकि फेस पर जो लाइट आए वो काफी सॉफ्ट लाइट है और वीडियो में एक काफी प्लीजिंग इमेज आपको मिले। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो फिर मेरे हेयर पर एक ऐसे थोड़ा सा हेयर लाइट आता है, वो मैंने ऊपर कुछ स्पॉटलाइट जैसे फिक्स्चर्स किए हुए हैं जिनसे मेरे हेयर पर एक हेयर लाइट आता है। तो अभी मैं एक एक लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझे कि एक एक लाइट का क्या इफेक्ट होता है। सो लोग कहते हैं कि ऑडियो इज 50% ऑफ द वीडियो, एक्चुअली आई वुड से कि ऑडियो इज 75% ऑफ द वीडियो, क्योंकि अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं होगा तो फिर लोग सिर्फ कमेंट्स में डाल देंगे कि वीडियो और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो फिर लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो माइक कनेक्टेड रहता है वो हमने काफी अच्छे वाले माइक में इन्वेस्ट किया है, यह है सनाइजर MKH416P48। तो ये एक्चुअली वही माइक है जो फिल्मों में वगैरह यूज होता है। ओवरऑल ये सेटअप टूर का एक पर्पस ये भी है कि आपको लगता होगा कि 10 मिनट का वीडियो ऐसे ही घर बैठे बन जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सारी चीजों में एक बहुत बड़ा थॉट जाता है। एंड जो लोग टेक में इंटरेस्टेड होंगे वो जानते होंगे कि एक एक चीज सेटअप करने में कितना टाइम जाता है, कितना एफर्ट लगता है। सो दैट्स व्हाट वी डू ओवर हियर, वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल। तो ये रहा हमारा स्टूडियो टूर। पिछले 4 साल से हम बिना रुके वीडियोस बना रहे हैं। पहले हम सिर्फ 2 ही लोग थे जो वीडियो आइडिएशन से लेकर स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, इवन सबटाइटल्स खुद ही संभालते थे, लेकिन अब हमारे साथ एक टीम है, 4 एडिटर्स है, कुछ रिसर्च असिस्टेंट्स है, एक वर्चुअल असिस्टेंट भी है और आपका साथ भी। हमने इस स्टूडियो को इस थॉट से बनाया कि कल जाकर ईदर ऑफ अस आर नॉट वेल तो हमें मदद करने के लिए कोई ना कोई हो। ये सारा काम रिमोटली भी हो सकता था, लेकिन हम चाहते थे कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर एक ऐसा वर्क कल्चर हो जहाँ पर हमारे जो थॉट्स है वो हम इन पर्सन लोगों तक पहुँचा पाए और जो लोग, जो हमारी टीम, वही थॉट्स आप तक पहुँचाने में हमारी मदद करे। वेल ये काम घर से भी हो सकता था, लेकिन तब हमारे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। बेड से उठो, काम पर जाओ और रात को बेड पर आके यही सोचो कि हैव आई डन इनफ, दैट्स रियली नॉट। अक्सर हमारे टीम के साथ हमारे डिस्कशंस होते हैं तो फिर वो सिर्फ टेक्निकली नहीं माइंडफुली हमारे वीडियोस का हिस्सा बनता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें भारत को 1% बेहतर बनाना है तो ये काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हमें आपको वो चीज दिखानी है जिस पर हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। वो एक चीज, ये 4 दीवारें नहीं है, ये महंगी इक्विपमेंट नहीं है, ये पेंटिंग्स नहीं है, वो चीज है एक टीम जो हमें बेहतर काम करने के लिए पुश करती है, जिनके साथ हम चंद्रयान का लॉन्च एक साथ देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो हर नए वीडियो के लिए एक्साइटेड होते हैं, और इन सब की खुद की एक पर्सनालिटी है, खुद के अलग अलग स्किल्स हैं। साथ मिलकर ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं, यही सच है। आगे जाकर हमें इंग्लिश में वीडियोस बनाने हैं, पॉडकास्ट शुरू करना है, देश को जैसे हमने COP27 और वीवा टेक में रिप्रेजेंट किया था वैसे और इवेंट्स में रिप्रेजेंट करना है और देश का नाम ऊंचा करना है, और इन सब कामों में हमें आपका साथ भी लगेगा। लेट मी टेक दिस मोमेंट टू थैंक यू, क्योंकि जब भी एक नया वीडियो रिलीज होता है तब भी उतनी ही नर्वसनेस होती है जितनी पहला वीडियो रिलीज होने से पहले हुआ करती थी, और ये स्टूडियो एक रिमाइंडर है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और हमारी इस सक्सेस को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट इज रेंटेड, एंड द रेंट इज ड्यू एवरी सिंगल डे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।